दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड आखिर क्या है? आउटर स्पेस में देखने पर हमें स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, नेब्यूलास और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में बहुत ज्यादा गैप्स मौजूद है। ये वही जगह है जिन्हें हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम यानी कि वो जगह जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं होता। स्पेस के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यही वैक्यूम सेपरेट किए हुए है। पर क्या वैक्यूम सच में खाली जगह है, या फिर यूनिवर्स के हर कोने में फैला ये वैक्यूम अपने अंदर कोई रहस्यमयी चीज को छिपाए हुए, जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं है? शायद इसमें कोई एनर्जी हो जो यूनिवर्स को चला रही हो। वेल, आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्स के वैक्यूम के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और आज मैं आपको वहां ले जाने वाला हूं जहां कुछ होता ही नहीं है। दोस्तों, जब हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो यहाँ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम का ही राज था। ये वो समय था जब आज मौजूद यूनिवर्स का सारा मैटर सिंगुलैरिटी में कैद था। अब जैसे ही बिग बैंग एक्सप्लोजन होता है तो सिंगुलैरिटी में कैद वो मैटर और एनर्जी तेजी से वैक्यूम में फैलने लगती है। बिग बैंग के बाद से अगले 400 करोड़ सालों तक यह एक्सपेंशन तेजी से होता रहता है और यूनिवर्स अपना आकार ले लेता है। पर उसके बाद इस एक्सपेंशन का रेट तेजी से स्लो होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब लगता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन थम सा गया हो। पर आज से करीब 500 करोड़ साल पहले यूनिवर्स का एक्सपेंशन फिर से रफ्तार पकड़ लेता है। अब दोस्तों, विकिपीडिया के इस आर्टिकल के अनुसार इसे एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स कहा गया है, और इसका पॉसिबल रीजन डार्क एनर्जी हो सकता है। अब दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस समय तक आते आते यूनिवर्स में डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर यार, ये सिर्फ एक स्पेक्युलेशन है और हम आज भी 500 करोड़ साल पहले शुरू हुए यूनिवर्स के सडन एक्सपेंशन के पीछे के कल्प्रिट से अनजान है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि यूनिवर्स के लेवल पर एक्सपेंशन की स्पीड को इंक्रीज करने में एनर्जी तो बहुत ज्यादा ही लगी होगी, और ये एनर्जी आई तो आई कहां से, और यही हमारा मेन सवाल है। अब दोस्तों, हमारा सनलाइट रेडिएशन को एमिट करता है, और जैसे कि हमें पता है कि लाइट फोटोन से बनी हुई होती है, इन्हें हम एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स कह सकते हैं। अब अगर यूनिवर्स के एक्सपेंशन के पीछे कोई एनर्जी है तो उसको कैरी करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल तो होना ही चाहिए, राइट? अब इसके लिए हमें अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को क्वांटम लेवल पर देखना होगा। अब हमें पता है कि यूनिवर्स में प्योर वैक्यूम जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वैक्यूम में भी कुछ ना कुछ एटम्स तो जरूर होते हैं। क्वांटम फील्ड में जब ये एटम्स फ्लक्चुएट होते हैं तो हम इन्हें ऑब्जर्व कर पाते हैं। पर स्पेस की वैक्यूम में इससे भी छोटे पार्टिकल्स छिपे हुए हैं। इन पार्टिकल्स को ही वैक्यूम पार्टिकल्स कहा गया है, मतलब कि वो पार्टिकल्स जिनसे खुद वैक्यूम बना हुआ है। वैक्यूम पार्टिकल्स भी क्वांटम फील्ड में फ्लक्चुएशंस क्रिएट करते हैं, और ये फ्लक्चुएशंस क्वांटम फील्ड थियरी के थ्रू समवट मेजरेबल भी है। पर वैज्ञानिकों की माने तो इन फ्लक्चुएशन के पीछे का राज कुछ और ही है। इसके पीछे का रीजन ये है कि क्वांटम फील्ड थियरी के अनुसार वैक्यूम एनर्जी की जो वैल्यू मेजर की गई है वो अनबिलीवेबली हाई है। मतलब ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अगर ये रियल होती तो यूनिवर्स आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा होता, या कहे तो भाई ये इतनी तेज भागता कि इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। अब वैज्ञानिकों के अनुसार ये वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से 10^120 टाइम्स कम होनी चाहिए। अब यार, ये बहुत 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 ही बड़ा नंबर है, और इसे हम नेग्लेक्ट करके तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। तो क्या वैक्यूम एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस और इमेजिनेशन है? वेल, यहां भी एक प्रॉब्लम है। अब अगर हम इन क्वांटम पार्टिकल्स और इनके द्वारा क्वांटम फील्ड में क्रिएट की गई फ्लक्चुएशंस के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनस होना चाहिए था। मतलब जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्स में कोई ना कोई फोर्स या एनर्जी तो ऐसी छिपी हुई है जो एक्सपेंशन पर इफेक्ट डाल रही है। अब अगर सब कुछ हमारी नोन फिजिक्स के अनुसार चल रहा होता तो यह यूनिवर्स होमोजेनस होता, यानी कि हम यूनिवर्स के जिस भी कोने में देखते वो बिल्कुल दूसरे कोने की तरह ही दिखाई देता। मतलब चारों तरफ सभी सेलेस्टियल बॉडीज एकदम इक्वल क्वांटिटी में फैली होती, और ऐसे यूनिवर्स में या तो हम इंसान जगह जगह पर देखने को मिलते या फिर हम होते ही नहीं। अब रियलिटी देखें तो ये यूनिवर्स होमोजेनस नहीं बल्कि हेटरोजेनस है, और ये वैक्यूम एनर्जी के एग्जिस्टेंस को समवट प्रूव करता है।
मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये वैक्यूम एनर्जी कौन से पार्टिकल्स में छिपी हुई है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर स्पेस के वैक्यूम में कोई ना कोई एनर्जी तो है। अब दोस्तों इमेजिन करो कि हम इंसान दूर अंतरिक्ष के सैर पर जा रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास फ्यूल तो जरूर होना चाहिए, राइट? अब अगर फ्यूल नहीं होगा तो हमारी स्पेसशिप को एनर्जी ही नहीं मिलेगी। तो क्या ये फ्यूल हम पृथ्वी से लेकर जाएंगे या फिर बीच बीच में प्लैनेट्स पर रुककर हम वहां फ्यूल की खोज करेंगे? वेल, ये दोनों ही तरीके नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगते हैं, है ना? तो क्या हम वैक्यूम में छिपी एनर्जी का यूज नहीं कर सकते? वेल, अगर हम इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करके इसको हार्नेस करना सीख जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये आइडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक रिवोल्यूशन ला देगा। अब दोस्तों वैक्यूम तो लगभग हर जगह पर ही है और इसका मतलब है कि ये वैक्यूम एनर्जी भी हर जगह पर होगी। नाउ नो मैटर कि एक स्क्वायर मीटर स्पेस में हमें कितनी वैक्यूम एनर्जी मिलेगी और एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी मिलेगी, ये स्पेस इतना बड़ा है कि हमें ऑलमोस्ट इनफाइनाइट एनर्जी का एक्सेस मिल जाने वाला है। मतलब अगर हमारी स्पेसशिप ने एक बार चलना शुरू किया तो हमें ना तो कभी फ्यूल की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही हमारी स्पेसशिप कभी रुकने वाली है। लेकिन आखिर हम ऐसा कैसे करने वाले हैं, तो चलो अब हम इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इस चीज को मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास दो ग्लासेस हैं, एक में गर्म पानी है और दूसरे में ठंडा पानी है। अब अगर मैं इन दोनों ग्लासेस को एक स्ट्रॉ की मदद से कनेक्ट कर देता हूँ तो अब आप बताओ कि क्या होने वाला है। नाउ ऑब्वियसली जैसा कि हमने स्कूल में सीखा है, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है। मतलब जिस जगह का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां की हीट कम टेम्परेचर वाली जगह की ओर अपने आप चली जाएगी। तो यहां पर गर्म पानी की हीट ठंडे पानी की तरफ जाएगी और दोनों पानी तब तक हीट को एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक वो दोनों सेम टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। और कुछ यही कॉन्सेप्ट हमें वैक्यूम एनर्जी के केस में भी लगाना होगा। आउटर स्पेस का टेम्परेचर -270.42 डिग्री सेल्सियस है जो कि बेहद ही कम है। नाउ अगर हमें सेम मेथड यहां भी इस्तेमाल करना है तो हमें इससे भी ज्यादातर कोल्डर सोर्सेस तैयार करना होगा। यूनिवर्स का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 होता है। अब ये सोचने में तो आपको बहुत ज्यादा इजी बात लग रही होगी कि हमें एक कोल्डर सोर्स ही तो क्रिएट करना है, पर रियलिटी में ये इंसानों की करंट टेक्नोलॉजी से पॉसिबल ही नहीं है। हम कुछ सेकंड्स के लिए तो इतने कम टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं पर लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए ऐसा नहीं हो पाएगा। सेकेंडली भाई, हम कहीं से भी तो एनर्जी को गेन नहीं कर सकते ना। अब अगर हमें वैक्यूम से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें वैक्यूम को एक जगह पर कलेक्ट करना होगा। जी हाँ, लिटरली हमें उसे एक जगह पर कलेक्ट करना होगा, तभी हम उससे वैक्यूम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। पर क्या ये इतना इजी है जितना कि यह सुनने में लग रहा है? वेल, ऐसा करके हमें जितनी वैक्यूम एनर्जी हासिल होगी उससे ज्यादा एनर्जी तो इस पूरी प्रोसेस को करने में ही लग जाएगी। मतलब ऐसा करके हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि वैक्यूम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का हमारा सपना यहीं खत्म होता है? वेल दोस्तों, दुनिया में हर चीज खत्म हो सकती है पर इंसान की इमेजिनेशन कभी भी खत्म नहीं होती। तो चलो इमेजिन कर लेते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे जिससे हम वैक्यूम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और उसे कलेक्ट करके हम अलग अलग चीजों में यूज भी कर पाएंगे। अब देखो यार, अपन लोग कोई वैज्ञानिक तो है नहीं कि खुद से हमें कोई आइडिया आ जाएगा कि हम ये कैसे करेंगे। ये काम हम अपने वैज्ञानिकों पर ही छोड़ देते हैं और हम ये सिर्फ अज्यूम करते हैं। तो अब जब हम वैक्यूम एनर्जी के थ्रू अनलिमिटेड एनर्जी के एक्सेस को हासिल कर चुके हैं तो आखिर हम इससे क्या क्या कर सकेंगे? वेल, सबसे पहले तो आपको पेट्रोल और डीजल के झंझट से मुक्ति मिल जाने वाली है। पेट्रोल चाहे 100 का हो जाए चाहे 1,00,000 का, हमें इससे एक घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनलिमिटेड एनर्जी के कारण पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल फ्री हो जाएगा। हर इंसान के पास इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, दुनिया के हर देश में हमें लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। स्लो इंटरनेट पुराने जमाने की बात हो जाएगी, इंटरनेट की स्पीड इतनी हाई होगी कि भाई डाउनलोड करने के लिए अगली मूवी का नाम नहीं सोच पाओगे और पहली मूवी डाउनलोड हो चुकी होगी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तो बात ही छोड़ दो, रिन्यूएबल एनर्जी को भी ह्यूमंस भाव नहीं देने वाले। अब आप खुद ही सोचो, अगर आपको एक जगह से अनलिमिटेड एनर्जी मिल ही रही है तो आप विंड एनर्जी क्यों ही बनाओगे और अपने घरों पर सोलर पैनल्स क्यों लगाओगे?
अनलिमिटेड एनर्जी का एक्सेस मिल जाने के बाद हमारे लिए दूर दूर के प्लैनेट्स पर जाना पॉसिबल हो जाएगा। हम एस्ट्रॉइड माइनिंग करके कई बेशकीमती मिनरल्स को हासिल कर पाएंगे। मार्स जैसे प्लैनेट्स को हम आसानी से टेराफॉर्म कर देंगे और फ्यूचर में वहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बसाना भी आसान हो जाएगा। पर यार, हर अच्छी चीज के साथ कुछ बुराई भी जरूर होती है। वेल, आज हम फॉसिल फ्यूल्स का ओवर यूज करने के कारण पॉल्यूशन और सीवियर क्लाइमेटिक चेंज जैसे खतरों को झेल रहे हैं। नाउ ऑब्वियसली, जब हम फॉसिल फ्यूल का यूज करना ही बंद कर देंगे तो हम इन खतरों से बच जाने वाले। पर कोई नहीं जानता कि एक नए सोर्स ऑफ एनर्जी के इस्तेमाल में क्या क्या नए खतरे छिपे हुए होंगे। अनलिमिटेड एनर्जी का मतलब है कि हम ह्यूमंस आज से कई ज्यादा पावरफुल वेपन्स को बना सकते हैं। आई थिंक इससे पहले कि हमारे हाथ में एनर्जी का कोई अनलिमिटेड सोर्स लग जाए, गवर्नमेंट को इसके मिसयूज से जुड़ी रूल बुक भी तैयार करनी चाहिए। वैसे यार, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते जाना। मुझे ये बताओ कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताओ, और अगर नहीं पता तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके हमारे सारे वीडियोस देखो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।